हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको 1% तक की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली थी टाटा पावर में, उसके बाद हमको 340 के आसपास से स्टॉक रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया। इससे पहले भी हम देख सकते हैं स्टॉक ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। जब गिरावट आई तो हमको वहाँ बायर्स एक्टिव होते हुए नज़र आए थे, और जब बाउंस बैक हुआ तो स्टॉक ने इस बाउंस बैक के साथ 340 का जो लेवल था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। 340 के लेवल को अगेन हमको वहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आया है। अब बात करते हैं हम सपोर्ट लेवल की, तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 320 का लेवल, और हम देख सकते हैं इसी लेवल से हमको स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 320 का इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 320 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन करता है तो वैसे कंडीशन में 300 का इसका एक तगड़ा सपोर्ट रहने वाला है 300 का लेवल। और बात करें टारगेट की, तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अगर बात करें टारगेट की, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 330 का। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है 340 का लेवल स्टॉक। लेकिन 340 का लेवल ब्रेकआउट होना इम्पोर्टेंट है बड़ी तेज़ी के लिए। हमने यहाँ से दो दफ़ा रिजेक्शन देखा है, हो सकता है कि इस बाउंस बैक के साथ 340 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाए। अगर 340 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर हमको इसमें 360 से लेके 380 तक के भी टारगेट इजीली शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं।